एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग स्टार। मैं हूँ शाइनी और आज का वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर हर रोज एक नया नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज का वीडियो है शेन हॉल वीडियो। शेन से मैंने थोड़े मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ ही कपड़े मैंने खरीदे हैं जस्ट टू ट्राई कि शेन की जो अपर टॉप वेयर है वो कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने कभी भी शेन की टॉप वेयर मैंने ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसीलिए मैंने कुछ टॉप वेयर शेन से आई बॉट दोज टॉप वेयर, तो मैंने उसे ट्राई किया और मैं आप लोगों को शेन के टॉप वेयर के बारे में, उनका जो साइज चार्ट है, उनका जो साइज का जो चार्ट है वो एक्चुअल में कितना सही है और कितना गलत है, सबके बारे में मैं आप लोगों को आज रिव्यू करूंगी। तो वॉच टिल दी एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जिस ड्रेस के बारे में मैं बताऊंगी वो एक वन पीस है, वो आपके नी के ऊपर वाले तक ही लेंथ तक आएगा। ये जो मैंने अभी ड्रेस पहना है वो ये उसी ड्रेस के बारे में मैं बोल रही हूँ। और इसके जो स्लीव्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, फ्लोरल स्लीव्स है इसके, हाफ स्लीव्स है। और इसका जो नेक है वो काफी सिंपल नेक है। इसका मटेरियल अच्छा है, बहुत ही क्रीप मटेरियल टाइप्स है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप इसे गर्मी में भी पहन सकते हो, आप इसे सर्दी में भी पहन सकते हो। इसका जो लेंथ है, इसके जो नीचे है बॉटम पोर्शन में इसका फ्लोरल डिजाइन है, कट है, फ्लोरल कट है, तो ये बहुत ही गर्ली टाइप का एक ड्रेस है, लेकिन ये एकदम शिफ्ट ड्रेस टाइप से, एकदम स्ट्रेट ड्रेस है। बात बोलना भूल गई थी कि जैसे ये वाले वन पीस के पीछे वाले में बस एक थोड़ा सा नॉच टाइप से और उसमें एक बटन है, तो वैसे ही एक्स्ट्रा एक बटन भी मुझे मिला है ताकि अगर ये बटन टूट जाए तो मैं इस एक्स्ट्रा बटन को वहां पर स्टिच कर सकूं, तो ये एक अच्छी बात है। ऑब्वियसली जो वन पीस है उसका जो साइज चार्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अपने साइज का ऑर्डर किया लेकिन वो मुझे मिला थोड़ा सा लूज मिला मुझे, लेकिन इट्स ओके क्योंकि ये एक वन पीस है और ये मुझे अच्छे से फिट हो रहा है। और वन पीस के लिए अगर मैं इसके वेस्ट में एक बेल्ट में लगाऊं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जितने भी मैं ड्रेसेस दिखाऊंगी उनके जो प्राइसेस है वो मैं आप लोगों को वीडियो में ही दिखाऊंगी, लेकिन जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर किया जो बहुत ही फेमस टी शर्ट है शेन में, दैट इज दिस टी शर्ट। ये वाला जो टी शर्ट है ये काफी अच्छा है बिकॉज ये एकदम सिंपल टी शर्ट है, आप लोग इसे क्रॉप टॉप की तरह भी पहन सकते हैं क्योंकि इसका जो हाइट है वो काफी छोटा है। मैंने इसे ऑर्डर करने के बाद जब मुझे रिसीव हुआ तब मुझे पता चला कि इसका हाइट काफी शॉर्ट है, आपके जस्ट वेस्ट तक ये आता है, विच इज गुड थिंग। आप इसे हाई वेस्टेड जीन्स के साथ आप इसे पहन सकते हो, उसके साथ एक व्हाइट स्नीकर्स अच्छा लगेगा, तो ये बहुत ही एकदम कूल और डू टाइप्स है। इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क मुझे काफी अच्छा लगा, नॉट एट ऑल चीप एम्ब्रॉयडरी वर्क, इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही अच्छा है और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे ऑर्डर किया है शेन के साइज के हिसाब से एस ऑर्डर किया है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ढीला है। अगर मैं इंडियन किसी ड्रेस को इसी साइज का मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये एम साइज रहेगा शायद। मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो है ये सब जिप लॉक बैग में आया था, शेन के ही जिप लॉक बैग में, जो बहुत ही स्टर्डी है और अच्छी है। मतलब मैं कहीं पर अगर मैं ट्रैवल करूं तो जिप लॉक बैग्स काफी काम आएंगे। ये जिप लॉक बैग्स के अंदर अगर मैं अपने ड्रेसेस कैरी करूं तो ये ड्रेसेस कभी भीगेंगे भी नहीं और ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई लव्ड द मोस्ट अबाउट इट। एंड ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। इसका जो नेक लाइन है उसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग की गई है, बहुत ही प्रिटी है ये वाला टॉप, ये टॉप है। इसके जो स्लीव्स है वो भी बहुत प्रिटी है, इसकी जो हाइट है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसका जो साइड वाइज मेरा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बस्ट रीजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो मैंने साइज चार्ट में देखा था वैसा थोड़ा वैसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जो साइज है वही मैंने चॉइस किया है और उस साइज के हिसाब से ये बहुत ही ढीला है। मैंने एस चॉइस किया है तो मुझे लगता है कि शायद मुझे एक्सेस चॉइस करना चाहिए था, क्योंकि एक्सेस मेरे ऊपर एकदम परफेक्ट रहती। अगर आप एक्सेस में एकदम फिट हो तो आप एक्सेस ही लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लूज होगा और वो एकदम कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन इस ड्रेस में भी मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ क्योंकि इसका जो स्लीव्स है वो बहुत ही अच्छी है, तो इसमें अगर लूज होता है बॉडी तो उसके हिसाब से इट लुक्स परफेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस
गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज तरह तरह के नए नए वीडियोज लाती हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट को फुलफिल करती हूँ, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. स्टे ब्लेस्ड. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.